अरे भाई यार बड़े बदतमीज है यार यू, माँ कैसे समझा लेकर एकदम से निकाल दिया, इट्स नॉट गुड, मतलब मुझे ऐसा लगता है। बट भाई होगा उनका कोई पॉलिसी, मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था कि अलविदा शाह रिप्लाई करेंगे, रिप्लाई आ गया तुम्हें अनफॉलो कर दूं। फिर दोस्तों हाल ही में आपने हिमाचल ट्रिप में देखा होगा कि अलविदा शाह यादव टीम में सब कुछ ठीक है, पल्लव कटारिया और अनूप जैल भाई के बीच किसी भी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। तो ये झगड़े के बारे में हाल ही में क्या क्या हुआ जो आप भी देखिए, और आखिर लव कटारिया और अनूप भाई ने इस झगड़े के बारे में क्या कहा। मेरी बात तो सुन, यहाँ कट ले रहे, हॉर्न तो बजाए कर, ट्रक तो इतने से बड़ी गाड़ी ले रहे हो, उतर जा कटारिया, उतर ना, हो जानते भाई तुम्हारे भाई को मजाक, भाषा को मजाक बना रहा हूँ, बता दो भाई हम उड़ा रहे हैं आपके भाषा ना, यू उड़ा रहा भाई। अरे भाई यार बड़े बदतमीज है, माँ कैसे समझा लेकर, ठीक है मैं मजाक तट के बता रहा हूँ भाई, अगर हमारा असलियत ही तुम्हें बदतमीज लगती है तो हम तो असलियत में, ये तेरी असलियत है, असलियत ही है तो बहुत गलत है ये। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में तालका प्रैंक को बिग बॉस से निकाल दिया गया था, तो वो उनके साथ बहुत ही गलत किया था। तो उस चीज को लेकर एलवी यादव का रिएक्शन आया है जो कुछ ये है। तालका भाई को, मैं कहा तालका भाई को बाहर निकाल दिया, मैं तो ये देख रहा हूँ निकाल दिया, क्यों वॉयलेंस करा उन्होंने, मैंने देखा नहीं वॉयलेंस वॉयलेंस क्या करा, पर यार वो देखा मैंने सन्नी भाई पर, सन्नी भाई के साथ गलत हुआ यार, उसको एक चांस और देना चाहिए था, मतलब एक चांस तो देना मिलना चाहिए, एकदम से निकाल दिया, इट्स नॉट गुड मतलब मुझे ऐसा लगता। बट भाई होगा उनका कोई पॉलिसी ब्रेक करी होगी, मैंने शायद ढंग से नहीं देखा होगा, आई डोंट नो, पर जो भी हुआ मेरे हिसाब से तो एक मौका देना चाहिए था अपना भाई है सन्नी भाई है, पर शायद ऐसे भी करते हैं वापस भी ले लेते हैं। अभी तक वो थोड़ी हुआ है भाई की बार ही आ गया, नहीं बार आ गया, आ गया आ गया। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में अभिषेक मलाना एक लड़की से मिले, तो सब लोग बोले कि पहले नजर में देखते ही लगी कि ये बेबी का है, पर वो नहीं है। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये कीर्ति मेरा है। वैसे आपको क्या लगता है कि ये लड़की कौन हो सकती है जिसके साथ कोई प्रोजेक्ट आने वाला है अभिषेक मलाना का, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में राउंड 12 का न्यू वीडियो आउट हो चुका है आदि मानव, जिस पर लोगों का बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, जो वीडियो भी ट्रेंडिंग नंबर 1 पर आ चुका है। तो इसको लेकर हर्ष बेनीवाल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये कहा, वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर्स इन यूट्यूब इंडिया, ऑल टाइम फेवरेट, ऑलवेज डिड समथिंग यूनिक एंड डिफरेंट। तो राउंड 12 ने रिप्लाई देते हुए लिखा, थैंक्स हर्ष। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले मैक्सटर ने एलविश के फॉलोइंग को लेकर कुछ बोल दिया था कि किन गवानों को फॉलो किया हुआ है, तो इस चीज पर एलविश ने मैक्सटर को कहा था कि तुम्हें भी अनफॉलो कर दूं फिर। तो इस चीज को हाल ही में मैक्सटर ने हनी शर्मा से बात करते हुए पॉडकास्ट में बताया, जो आप भी देखिए। उसके बाद क्या हुआ, एक यूट्यूबर है वो, मैंने एक ट्वीट किया था मुनावर से रिलेटेड कि मेरे को मुनावर के जीतने के चांसेस ज्यादा लगते हैं, उसने उस ट्वीट को पता नहीं कहां से कहां धर्म वरम सब चीज से जोड़ दिया, मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने फिर पूछ लिया अलविश भाई ये किन गवारों को फॉलो करके रखा है, मतलब एट द रेट अलविश यादव ये किन गवारों को फॉलो करके रखा है, तो वहां से ट्वीट किया, हाँ मैंने ऐसे ट्वीट कर दिया रिप्लाई में, और रिप्लाई में ट्वीट किया तो मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था कि अलविश भाई रिप्लाई करेंगे, रिप्लाई आ गया, और उस समय मैं था शूट पे ही, नोटिफिकेशन देखा रिप्लाई है, तो मैं अनफॉलो कर दूँ फिर ऐसे कुछ करके रिप्लाई आया, तो मैंने कहा भाई कर दो मेरा क्या जा रहा है, तो मैंने कहा कर दो, फिर मैंने लिखा मैं ही कर देता हूँ, फिर मैंने निकाल दिया, क्योंकि मेरे को ना एक चीज़ पसंद नहीं आती अगर मेरे बारे में कोई झूठ फैला रहा है, मैनिपुलेट तरीके से कर रहा है, तो मुझे उन लोगों से बहुत चिढ़ होती है, तो उसके सपोर्ट में या फिर रिप्लाई में अलविश भाई आए तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा ठीक है मैं ही डिस्कनेक्ट कर देता हूँ खुद को आपसे, तो मैंने कर दिया। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में काफी सालों बाद कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर एक दूसरे से मिले, जिनका काफी लोगों को बहुत टाइम से इंतजार था, जो दोनों सेलिब्रिटी अब नेटफ्लिक्स पर आ रहे हैं। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं बिग बॉस को लेकर, तो हाल ही में बिग बॉस ने ट्वीट कर ये कहा, बिग बॉस एंड द क्रिएटिव टीम्स वर पुशिंग मनारा टू इंटरेक्ट मोर विथ मुनावर, सो डेट मुनावर कुड गेट मोर स्क्रीन स्पेस इन द एपिसोड एंड हैव सम गेम्स, अदरवाइज इनिशियली ही वॉज ओनली नॉन फॉर हिज शायरी एंड नाउ मेनली गिव्स बिट्स ऑफ एडवाइस एज ही हैज नो अदर थिंग्स मेजर इन द शो, डूइंग बेबी सिटिंग मनारा टू सम एक्सटेंड ए मेजर कंट्रीब्यूटिंग टू हिज बेबी जर्नी, वॉट डू यू थिंक मुनावर हैज एनी जर्नी अदर देन बेबी सिटिंग मनारा, शेयर योर थॉट्स। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में केआरके का न्यू सॉन्ग आया है जिसे सोनू निगम ने गाया है, तो उसमें कुछ और भी एक्टर्स हैं, तो उस चीज को हाल ही में अमिताभ बच्चन ने शेयर किया है, तो लोगों ने कमेंट्स में कहा केआरके हैज सम सीक्रेट सीडी ऑफ बच्चन, अरे चाचा ये क्या प्रमोट कर रहे हो, व्हाई ऑल ऑफ सडन बॉलीवुड इज प्रमोटिंग केआरके। एंड तो नेक्स्ट अपडेट, मोरफी का इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था, तो उस चीज को लेकर उन्होंने शेयर की फोटो, तो हाँ गाइस ये मिस्टेक की वजह से सस्पेंड हुआ था जो वापस आ चुका है, तो उर्फी ने लिखा आई मीन गाइस प्लीज डिसाइड।
एंड तो नेक्स्ट अपडेट में पूजा भट्ट ने एक पोस्ट शेयर की जिसमें बेबी का पूजा और फलकनाश थी। तो पूजा भट्ट ने फलकनाश के बर्थडे को विश करते हुए लिखा, वी ऑफन लुक फॉर द सेम विंडो बट रेयरली सी द सेम व्यू एंड वी समटाइम्स फाइंड दोज पीपल हु सी व्हाट वी सी फील व्हाट वी फील एंड आर विलिंग टू विटनेस लाइफ एन यू। हैप्पी बर्थडे फलकनाश, हियर्स टू लाइफ टाइम ऑफ लव लाफ्टर शेयर टीयर्स एंड मच टाइम and much light and thank you Big Boss for granting me the gift of friendship amongst the many learnings and rewards you brought to my life forever grateful। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।